আপনাদের স্বাগত আমি জব্বর আলী আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহপ্রতিনিধি দীপ্ত এবং রাজ এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি নিউ টাউন চত্বরে যেখানে কিন্তু ডালখোলার একাধিক প্রার্থী তারা নমিনেশন করে আসছেন এই মুহূর্তে ডালখোলা ওয়ার্ডে ডালখোলার যে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড আছে সেখান থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট কৈলাস শাহ তিনি কিন্তু এখানে সেই কৈলাস শাহ কিন্তু নমিনেশন করে বেরোলেন আমরা তার সঙ্গে কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করবো कैलाश जी पांच नंबर से आप पांच नंबर में आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तहत आज नॉमिनेशन फाइल किए क्या मुद्दा रहेगा आपके वार्ड के लिए विजयी हो तो विजय तो पहले भी 15 साल से जब से पौरसभा है तब से हम लोग काउंसलर हैं हम हमारी वाइफ इसके बाद पार्टी हम लोगों के साथ गद्दारी किया कौन सा पार्टी वो TMC विशेषकर गौतम पाल जो हमारे घर में ये दंड लगा दिया चचा भतीजा में एक दूसरे को फूट डालता है पूरे करंदगी विधानसभा में हम ऐसा MLA नहीं देखे जो हर जगह रासा खुआ टूनू दिगी से लेके करंदगी दालकोला जितनी भी अंचल है जितनी भी ग्राम पंचायत है हर जगह उनको अपना हेकरी और दादागिरी करके राजनीतिक नहीं होता है लोगों को दिल जीतना पड़ता है दिल में रहना पड़ता है लोगों के लिए काम करता है उनका सब समय जब भी दलकोला में आते हैं दुर्गा पूजा हो या काली पूजा हो या छठ पूजा हो जब भी उद्बोधन करते हैं कैंची उठाते हुए लेके केटे दीवो रखे छेटे दीवो टिकट कटे आज के दलकोला वासी के लिए सबसे खराब वार्ता गौतम पाल कल उन्होंने घेराव हुआ था दलकोला में जो हाँ 5 घंटा घेराव रहे उनका बॉडीगार्ड भी उनको बचाए नहीं तो दालकोला में उनको और पैर नहीं रखनी चाहिए उनकी अगर इज्जत रह दे तो मैं उनको बताना चाहता हूँ दिल खोल के जो राजनीतिक कीजिए अच्छे से ऐसे राजनीतिक लोगों के दुख में डाल के राजनीतिक नहीं करना चाहिए और 5 साल ही आपके चलेगा और इसके 5 वाले आपका हर जगह आपका एक जगह से दूसरा जगह 2 बार नहीं हुए आप इधार में 1 बार पंचायत समिति में आपका वाइफ अहमदाबाद में अभी करंदगी आदमी को बोका बना के इसी 5 साल बोका बनाएगा इसके बाद दलकोला के लोग करंदगी के वासी आपको उठा के फेंक देगा ऐसा बात रहा कि ये दलकोला इस्लामपुर और कलियागंज तीनों पौरसभा में TMC के तरफ से जो लिस्ट जारी किया दो बार तीन बार लिस्ट जारी किया गया और इसको लेके TMC के अंदर ही बहुत मतविरोध रहा आप एक TMC का कर्मकर्ता थे और वहाँ के एग्जिस्टिंग काउंसिलर भी थे मैं काउंसिलर था बोर्ड ऑफ मेंबर भी था उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी था ये पैसे की खेल गौतम पाल पैसे लोगों को नोटिंगी दिखाता ऐटा करबो ऐटा करबो लोगों से पैसा उठाते बड़े बड़े मिल से बड़े बड़े दुकानदारों से पैसे उठा के और वो आतिशबाजी और ये वो दिखाते हैं ये सब नहीं चलेगा लोगों के लिए काम करना पड़ेगा और गौतम पाल उसके बाद नहीं रहेगा किया है हम लोगों का काउंसिलर कैलाश शाह को टिकट नहीं देके बहुत बड़ा गलती किया है जिस कारण हम लोग निर्दल से खड़ा होकर जीत के दिखाएंगे TMC 200+ नहीं करेंगे स्वागत करने के लिए पूरी तरह से TMC आए कैलाश शाह जिंदाबाद पौरसभा के अंतर्गत 5 नंबर वार्ड का काउंसिलर कैलाश शाह जिंदाबाद घर में झगड़ा लगा दिया MLA ठीक हम जो बात करने का कोशिश कर रहे हैं जी आप ये दालखोला का बासी हमारे MLA को बहुत इज्जत करते थे और हम सभी मिलके उन्हें बहुत ऊपर तक लेके आए थे मगर हमारे प्यार को इतनी गलत तरीका से यूज किया गया हमारा प्यार को पैर से रोन दिया गया वो अपने पॉलिटिकल कैरियर में पैसे के कारण करप्शन के कारण पूरा दालखोला बासी उस पर छींची कर रहे हैं दालखोला में कहीं भी ऐसा कोई लीडर नहीं खड़ा किए हैं जो आज अगर दालखोला में कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाए दालखोला बोर्ड में ऐसा कोई मेंबर नहीं दिए हैं जो वो आपातकालीन परिस्थिति को संभाल पाए वो अपने पॉलिटिकल करियर के लिए एक बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हेड को चेयरपर्सन को हटाएं ये भी बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर थे जहाँ पे उनका विरोध हो उन्हें वो अच्छे से हटा दिए और न्यू बंदा को खड़ा किए कान धोरे उठ तो उठ बॉस तो बॉस ये हमारा दीदी को समझना चाहिए हम लोग दीदी को वोट दिए थे गौतम को नहीं दिए थे गौतम हमारे साथ छल कर रहा है आए वोट मैदान में
छल का जवाब देंगे हमारे हिसाब से। हम देख रहे हैं कैलाश शाह जो कि दलखोला के कितने नंबर वार्ड से? पांच नंबर वार्ड से कैलाश शाह जो कि तृणमूल के कर्मकर्ता और बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के वो निर्दल के हिसाब से यहाँ आपका इस बार यहाँ देखते हैं कि नॉमिनेशन फाइल किया है। यानी राजनीतिक माल में हर पल हर क्षण जो मोमेंट है उस मोमेंट का बदल रहा है। इसी तरह की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज टुडे इंडिया के साथ। मेरे साथ प्रतिनिधि आतोष मजुमदार के साथ मैं जब्बार अली, न्यूज टुडे इस्लामपुर से।